दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलास्टिक वाला पजामे की कटिंग। ठीक है, जो पजामे की हम कटिंग सीखने वाले हैं वो पजामा कुछ ऐसा है। आप इस पजामे को देख सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, इसको आप सलवार भी बोल सकते हैं, पजामे बोल सकते हैं। यहाँ पर कमर में फुल इलास्टिक आता है। ठीक है, ये देखिए, ये दिखने में ऐसे दिखता है। बहुत लोग जिनको पैंट के बारे में नहीं मालूम है, जो बिगिनर हैं, नए लोग हैं सीखने वाले, जिनको पैंट के बारे में नहीं मालूम है वो लोग इसको पैंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पैंट भी समझ सकते हैं इसको, मगर पैंट है नहीं। मेरे ख्याल से इसको पजामा और सलवार बोल सकते हैं इसको। ठीक ना, तो सेम ऐसा ही कटिंग करना आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और इसको नाप लेकर कैसे कटिंग करते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ऐसे रख लेना है, इसका लंबाई आ रहा है 32.5 का, तो आधे इंच लंबाई में बढ़ा कर रखने वाला हूँ 33 का। यहाँ बनाऊंगा लेंथ 33 इंच। इसके बाद इसका बॉटम देखना है, बॉटम आ रहा है इसका 16 इंच का, तो यहाँ पर बॉटम करके 16 लिख देना है। ठीक ना, अब इसका मेन मेजरमेंट जो है, मेन है और महत्वपूर्ण भी है, ए साइज जब छोटा होता है। ठीक ना, तो ये जो है ऐसे ऐसे खींचता ऐसे ऐसे से खींचता रहता है, ऐसे से होने लगता है ये यहाँ पर। ठीक है, ये छोटा हो गया तो इसको नाप लेना है और जितना आएगा उतना ही हम लोगों को रखना है। ठीक ना, क्योंकि नाप का जो है कस्टमर को बहुत अच्छे से बैठता है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये नाप के लिए दिया है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा आ रहा है 14 इंच पे। ठीक ना, तो इसको 14 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से एक नाप हम लोग को और चाहिए, वो नाप कैसे लेना आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे करके नाप लेना है, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर तो इलास्टिक लग गया है, तो यहाँ पर ऐसा नापेंगे पूरा करके ऐसे, तो ऐसे भी नाप सकते हैं, जितना आ रहा है उसका आधा रखना होता है। तो ऐसा ही नाप लेता हूँ मैं, चलिए दिखता हूँ कितना तरह से खींच कर नाप लेता हूँ ऐसे। ये हमारा आ रहा है 30 इंच का। ठीक ना, तो 30 का आधा कितना होगा 15 इंच, तो हमारा 15 इंच पे मैं लिख लिया हूँ। इतने ही मेजरमेंट से ये बन जाएगा। लेंथ आया है 33 इंच, बॉटम आया है 16 इंच, और ये जो भाग है हमारा क्रॉच बोलते हैं इसको, ये आया हुआ है 14 इंच। 14 × 28 का होता है, पूरा ऐसे नापेंगे पूरा ऐसे ऐसे में तो आ जाए 28 निकल जाएगा। और ये हमारा 30 का आया था, उसका आधा 15 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कटिंग कर कैसे करना है वो सिखाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे रख देंगे, और इसका कटिंग करने का दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका क्या होता है, जो लोग मेजरमेंट नाप नहीं ले सकते तो लोग ऐसे इसका सेंटर देखना, ऐसे बढ़िया से इधर भी और इधर भी ऐसे सेंटर देख कर इसको ऐसे कर लेना है। जो नए लोग हैं उनके लिए ऐसे करके, और उसके बाद से यहाँ पर ऐसे इस बॉटम को दोनों को ऐसे बराबर ऐसे कर लेना है, और करके ऐसे रख लेना है। ठीक ना, ऊपर यहाँ पर छोड़ देना है, 1 इंच का इलास्टिक आएगा तो 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पे ऐसे छोड़ कर ऐसे ऐसे रख के इसको। ठीक ना, और इसको ये जहाँ पर आएगा वहाँ पर ऐसे रख देना है, और इसको भी ऐसे करके ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग, और ऐसे कट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रखिए। ऐसे रखने के बाद
इसके सिधाई में आप मार्किंग कर लीजिए, फिर कट कर सकते हैं ऐसे ही मार्किंग करके यहाँ से, और बटन छोड़ देना है, सिलाई मार्किंग छोड़ देना है, और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो इसी के लेवल में सीधा ले लेना है, इसको नहीं देखना है, इसी के लेवल में सीधा लेना है, ऐसे करके आप लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बनता है और ऑल्टरेशन आ सकता है, और नाप लेकर बनाएंगे तो एकदम कट टू कट आएगा। तो मैं नाप लेना भी सिखाया हूँ और नाप लेकर कटिंग कैसे करना है आपको अभी मैं सिखाता हूँ। ये तो हो गया, मतलब जिनको जमता ही नहीं है बिल्कुल, वो रखकर कट कर सकते हैं, मगर इससे अच्छा नहीं बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए मुझे कैसा अच्छे से बनता है, मैं कैसा अच्छे से बनाता हूँ और अच्छा रहेगा जो, वही आपको सिखाऊंगा। मैं नहीं कहूँगा कि वो पहले वाला जो अभी दिखाया हूँ वैसा आप कटिंग करें, आप ऐसा कटिंग करें, नाप लिया है, नाप नाप लेना सिखाया हूँ, ऐसा नाप लेना है। और सबसे पहले हमारा जो पट्टी जो है 1.5 इंच का है, तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा निकलेगा, यहाँ पर हमारा इलास्टिक लगने वाला है, तो मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना है उसको यहाँ से, ठीक ना। तो इस लाइन पर टेप रखना है, ऐसे इंची टेप को रखना है, और हमारा ये 14 इंच का आया हुआ था यहाँ पर, तो इसको रखना है 14.5 पे, ठीक है ऐसे, क्योंकि दबाव जाएगा तो उसमें हो जाएगा काम उसका। और 33 इंच का सर लंबाई है, तो रखेंगे यहाँ पर 33 इंच पर कर लेंगे मार्किंग, और सेम ऐसा ही यहाँ पर रख देंगे 14.5 कर लेंगे और 33 पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद से ये पट्टी रखेंगे यहाँ पर, सीधा मार्किंग मार लेंगे, इधर से भी एक सीधा मार्किंग मार लेंगे, ठीक ना। ये कटिंग करना बहुत ही आसान है, देखिए आपको दिखाता हूँ। अब हमारा लंबाई हो गया, एक क्रॉस का मार्किंग लग गया है, ठीक है, इसको बहुत लोग आसन का मार्किंग बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, सेंटर का इसको मार्किंग बोल देते हैं, तो यहाँ पर आता है, ठीक ना। अब देखिए, अब हमारा ये आया था 30 इंच का, ऐसा ना पता ना, खोल कर 30 आया था, तो यहाँ पर हम 30 का आधा 15 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 15 पर मार्किंग कर लेंगे, और ठीक यहाँ पर भी 15 का मार्किंग कर लेंगे। अब इस पट्टी से इस दोनों को मिला देंगे ऐसे आपस में, ऐसे, ठीक है, और ये हल्का सा दबाव के लिए छोड़ देंगे, इतना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये पट्टी लेंगे और 16 इंच का पहले बॉटम रख लेंगे यहाँ पर, 16 का आधा हुआ 8 इंच, तो 8 के यहाँ रख लेंगे, और इसको इसको इससे ऐसे मिलाना है इसको, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ही पट्टी से, कर्व से पट्टी से आप कर सकते हैं, आप पास कर्व पट्टी नहीं हो तो सीधे पट्टी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर ये पट्टी अच्छा रहता है थोड़ा, अगर नहीं भी तो आप हाथ ऐसे मार्किंग करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देख लीजिए पूरा ड्राइंग एकदम ओके हो गया है। अब इसको कटिंग करने लिए तैयार है, इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं नीचे से। अब नीचे से हम लोग छोड़ देंगे कम से कम 1.5 इंच, ये छोड़ने के बाद इधर मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, कट कर लेंगे, इधर मार्जिन छोड़ना आप लोगों को 1/2 इंच के छोड़ सकते हैं और 1 इंच के भी छोड़ सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ 1 इंच में, तो सूत कम है, ठीक है, और यहाँ का 1/2 इंच ही छोड़ना है, यहाँ पर ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारा एक कट के ओके हो गया है, कितना आसान है काटना, जब नाप लेकर काटेंगे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है काटना। अब यहाँ से देख लीजिए ऐसे हो जाएगा हमारा कट मार के, ये हमारा ऐसे बॉटम फोल्ड हो जाएगा, और ऊपर से ऐसे चटका लगा देंगे, इधर हमारा इलास्टिक लगे जाए फोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारा ये देखिए एकदम करेक्ट 33 इंच का आ गया है, ठीक ना।
यहाँ सिलाई मार लेना है, यहाँ सिलाई मार कर सिल लेना है। बहुत ही आसान, सिलना भी बहुत आसान है, ये 10 मिनट में सिल के होता है, ठीक है, और 5 मिनट में कटिंग होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।